वेंटेटा। ये बहुत इजी है, इसको हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो हम देख लेते हैं। इसके आगे हमारा चौथा जो फॉर्मूला है वो क्या है, इनका रिलेशन आपस में। जैसे पहला रिलेशन जो है इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं आपको लिंक डाल दूंगा इसका वीडियो का, कैसे ये प्रूफ होता है, कैसे आता है, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। अब इससे हमारे कितने फॉर्मूले बनेंगे, इससे हमारे 5-6 फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे इस वाले से। पहला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा इससे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा हो समझ में? उसी तरह हमारा जो तीसरा फॉर्मूला बनेगा इसमें क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस में कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह हमारा जो चौथा बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस थीटा बराबर रूट ओवर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसे अच्छे से आपको करके बताऊंगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो हमारा है 5 नंबर फॉर्मूला, वो क्या है, वो है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत ही इजी फॉर्मूला है, और इसका अगर फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए, डेरिवेशन चाहिए, कैसे ये फॉर्मूला बना है, तो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इससे भी हमारे 4 फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला क्या होगा, पहला होगा टेंट 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्या होगा, होगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और इधर में माइनस में 1, आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा फॉर्मूला होगा, अगर हम 10 थीटा बोलेंगे तो क्या होगा, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा। क्या है, छठा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ओके, अब इससे हम 3 फॉर्मूला और बना सकते हैं। पहले क्या है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। दूसरा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और तीसरा होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, हमारा इव नंबर होगा। इव नंबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला टोटल कितने हो गए, 9 फॉर्मूले। ये 3 फॉर्मूले और इसके बगल में 3 6 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ओके, ये 8वां नंबर फॉर्मूला हो गया और ये 9वां नंबर फॉर्मूला हो गया। इनको आप याद कर लीजिएगा, याद करने के बाद इसको एकदम कंठस्थ कर लेना, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए इसे, समझ गए? ये फॉर्मूला एकदम कंठस्थ होना चाहिए, जब भी देखो एकदम ध्यान आ जाएगी, तभी आप बोर्ड का एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाओगे। ये 3 फॉर्मूले और इधर के जो 6 फॉर्मूले हैं उनको भी देख लेंगे, बाकी सारे आप इससे ड्राइव कर सकते हो कैसे बना हुआ है। और ये 6 फॉर्मूला आपको दिख रहे हैं 3, और ये 3 बगल में उसके 6, आपको यही फॉर्मूले याद करने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम पिछले 10 साल के मैथ के जितने भी सवाल हैं उसको सॉल्व करें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।